गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर है हमारा। टॉपिक है मशीन्स बीम्स, है ना। इसमें हम सीखेंगे कि मशीन्स क्या होती हैं, उसका यूज़ हम किस टाइप से करते हैं। पहला फर्स्ट टॉपिक है वर्क एंड फोर्स एंड वर्क, है ना। फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। चलिए, वी हैव स्टडाइड इन ईयरली क्लास दैट टू डू एनी वर्क वी नीड टू अप्लाई फोर्स। ये तो आप लोग पहले से जानते हो, पहली कक्षा में हम पढ़ भी चुके हैं कि हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो सब किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें अप्लाई करना पड़ता फोर्स, है ठीक है। हमें क्या मतलब किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोर्स अप्लाई करने की। अ फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव, यदि हम फोर्स करते हैं तो ही हम किसी चीज़ को मूव कर पाते हैं, ठीक है। When a force moves something, work is done. जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज़ को तो वो क्या करेगी, वो वर्क, तो वो क्या होगा, हमारा वर्क होगा, ठीक है। Any push or pull is force. यानी कुछ किसी भी चीज़ को पुश करना यानी धक्का देना, और किसी भी चीज़ को पुल करना यानी अपनी तरफ खींचना, ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये पेन, इस पेन को यदि मैं उठाती हूँ, उठाने में मुझे क्या करना, ये मैंने उठाया तो, है ना, उठाने के लिए मैंने इसको क्या करा, है ना, मुझे उठाया, मैंने इसका क्या करा, वर्क करा, मतलब मैंने फोर्स लगाया है इसको उठाने के लिए। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की, ठीक है। यदि मुझे इस बेंच को, जिस बेंच पे हम बैठे हैं उस बेंच को यदि आगे मूव करना है तो उसको मुझे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि पीछे की तरफ करना है तो मुझे पुल करना है ना, पुश और पुल क्या कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ फोर्स, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। फोर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, द फोर्स दैट यूजेस द पावर ऑफ मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो जिसमें हम अपनी बॉडी की मसल्स का यूज़ करते हैं, मसल्स की पावर का यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, क्योंकि उसमें हमने अपने मसल्स का यूज़ किया है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला, द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट पुल्स एवरीथिंग टू वर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या और ग्रेविटी। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ भी चीज़ हो, हम यदि ऊपर फेंकते हैं, जैसे ये इरेजर है, है ना, ये इरेजर है, इसको यदि हम ऊपर फेंकेंगे तो वो केवल नीचे ही आती है, तो ऐसा क्यों, कुछ भी चीज़, चाहे हम बॉल फेंकें या कुछ भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आती है, क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ में एक फोर्स होता है, हमारी अर्थ में एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया, हमारी अर्थ जो होती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, है ना, तो उसमें भी एक फोर्स होता है, कि किस को क्या होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्लियर, समझ गए, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही आती है, ज़मीन पर ही गिरती है, इधर उधर नहीं गिरती, तो ये किसके कारण होता है, हमारी अर्थ में ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अ मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील एंड पुल्स देम टूवर्ड्स इटसेल्फ, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट यानी हमारी चुंबक होती है, है ना, चुंबक जो होती है, जैसे आप लोग खेलते भी होंगे उससे, मैग्नेट से, जो मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट जो होती है लोहे से बनी चीज़ें या फिर स्टील से बनी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, है ना, तो उसमें जो फोर्स होता है, एक मैग्नेट में जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, मतलब मैग्नेट से बना मैग्नेटिक, यानी मैग्नेट में जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ, फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स बिटवीन टू सरफेस विच आर इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन को हम कहते हैं घर्षण, ये फोर्स के बीच में होता है, है ना, ये फोर्स के क्या होता है, बीच में होता है, जो कि कॉन्टेक्ट में होती है, फोर्स के मतलब टू सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब किसी भी चीज़ घर्षण करना, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, टू अप्लाई फोर्स वी नीड एनर्जी। हम किसी भी, यदि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को, किसी भी फोर्स को अप्लाई करना है, हमें किसी फोर्स लगाना है, किसी भी चीज़ को पुश करना है या फिर पुल करना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। ये बेंच है, इस बेंच को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, तभी तो हम कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू
टू वर्क एनी वर्क। एनर्जी क्या होती है? एक प्रकार की कैपेसिटी होती है जिससे हम किसी भी प्रकार का वर्क कर सकते हैं। ओके चलिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी कई रूपों में पाई जाती है, ठीक है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है हीट एनर्जी, इज यूज टू कुक फूड, टू चेंज वाटर टू स्टीम एंड ऑल्सो टू मेक स्टीम इंजन्स मूव। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो होती हैं खाना पकाती हैं, किचन में खाना जब पकाती हैं तो हम गैस का यूज़ करते हैं, है ना। तो गैस से कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। उसमें यदि हम खाना पकाएंगे तो हमारा खाना इजीली पक जाता है, तो उसको उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हीट एनर्जी की, है ना। यदि वाटर को हम स्टीम में चेंज कर सकते हैं हीट देकर, वाटर को हम हीट देकर स्टीम यानी भाप में चेंज कर सकते हैं। और आप लोग पता है जो स्टीम इंजन जो होता है इससे मूव करता है, इंजन जो कि है ना स्टीम से यानी भाप से इंजन मूव करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स। प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक फूड। लाइट एनर्जी का यूज़ हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को देखने के लिए करते हैं, है ना। और प्लांट जो लाइट एनर्जी मतलब जो कि हमें सन से मिलती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्लांट्स में, प्लांट्स आपको पता है प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और यदि सनलाइट की यदि प्लांट्स को ये लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना लाइट एनर्जी जो होती है प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने में, ओके। चलिए थर्ड वाला देखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन्स द वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीजर्स, इलेक्ट्रिक प्लेट, आयरन एंड मैनी अदर अप्लाइंसेस इन आवर हाउस। आप लोगों ने भी देखा होगा हम अपने घर में हमारे घर में बल्ब जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, है ना, बल्ब जलाते हैं जिससे हमारे घरों में रोशनी हो जाती है। तो ये रोशनी किससे मिलती है? ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, फ्रिज जो होता है उसको चलाते हैं, गीज़र को चलाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिकल फ्लैट आयरन हम जो घर जो कपड़ों पे आयरन करते हैं वो किससे करते हैं? इसी से तो करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो होती है वो एक प्रकार की, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक साउंड एनर्जी। अब हम साउंड एनर्जी का भी यूज़ करते हैं, है ना। लाउड थंडर कैन मेक द विंडो पैंस इन आवर हाउस रैटल, मतलब हम साउंड एनर्जी का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। आप लोगों को पता है सन जो है, सन यानी सूरज, आप लोग पता है सूरज क्या होता है ना। सन जो होता है वो ग्रेटेस्ट सोर्स है एनर्जी का हमारी धरती पर। सबसे मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन जो होता है हमको गर्मी भी देता है और साथ में रोशनी भी देता है। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर वाइन एंड बर्निंग फ्यूल्स। इससे क्या करते हैं? जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे पानी वाटर मूव होता है ना, हवाएं चलती हैं और साथ में जो फ्यूल्स होते हैं हमारे वो भी बर्निंग करते हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन्स। अब इसमें पढ़ेंगे मशीन्स क्या होती है। स्टडी द पिक्चर्स बिलो, विच वे इज ईजियर टू परफॉर्म द टास्क राइट इन द बॉक्स। अच्छा देखिए ये तो ये टास्क दिया है इन्होंने। फर्स्ट पिक्चर में देखो, फर्स्ट पिक्चर है मूविंग अ लार्ज बोल्डर यूजिंग हैंड। क्या ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है बड़े से पत्थर को उठाने की धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बड़े से पत्थर को धकेल सकता है? नहीं धकेलेगा। तो इसको टास्क दिया गया है कि इस पत्थर को हमें दूर तक ले जाना है। तो देखो वो सेकेंड में क्या यूज़ कर रहा है, यूजिंग अ डिवाइस टू मेक द बोल्डर। इस बोल्डर को उठाने के लिए उसने देखो कितनी अच्छी टेक्निक अपनाई है। उसने क्या करा, एक बड़ी सी रॉड ली है, रॉड के नीचे एक छोटा सा पत्थर लगाया है, है ना। इससे क्या होगा, इससे उसका काम आसान हो जाएगा। इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में ये क्या हाथों से उठा पाएगा, है ना, नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी है ना। किसी भी हैवी चीज़ को उठाने के लिए इस तरीके से यदि रॉड लगाकर उसके नीचे छोटा सा सॉलिड चीज़ या छोटा सा स्टोन यदि लगा दिया जाए तो उसको उठाने में आसानी रहेगी, है ना। इसको इस तरीके से पुश करते जाएगा ये बच्चा, और ये जो बोल्डर है आगे की तरफ मूव करता जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें किस टास्क को मतलब कौन सा टास्क ईजी है? ये वाला। तो यहाँ बी वाले पे आप टिक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख देंगे आप? बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
देखिए आप यूजिंग अ डिवाइस टू पुल द बकेट, यदि हम कुआ है, कुएं में से पानी निकालना है हमें, और यदि व्हील नहीं लगा तो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होता अब, है ना। अब इस पिक्चर में देखो कितना कितना ईजीली पानी निकाल पा रही है ये लेडी। अब इस पिक्चर में देखिए इनको निकालना कितना डिफिकल्ट हो रहा है, पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए बॉल। तो इसमें से देखिए कौन सा काम ईजियर हो रहा है, ए वाला या बी वाला? तो आप लोग फौरन बता दोगे तो कौन सा काम ईजी हो रहा है, ए वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें व्हील लगा हुआ है, व्हील के कारण पानी की बकेट जो है बहुत ही ईजिली उनके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए सी वाला देख लीजिए, लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स टू लोड ऑन ए ट्रक। ये ट्रक है, इस ट्रक में इस हैवी बॉक्स को लोड करना है, ठीक है। तो हाथों से क्या कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत हैवी है। बी पिक्चर में देख लो, यूजिंग अ डिवाइस टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। तो इस तरीके से यदि ये डिवाइस यूज़ करेंगी, जो डिवाइस दिख रही है आपको, ये एक प्रकार की डिवाइस होती है, किसी भी हैवी बॉक्स को या किसी भी हैवी बॉक्स को गाड़ी में चढ़ाने के लिए इस टाइप की वो स्लाइडर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत हल्का सा फोर्स लगाकर ईजिली उसके ऊपर मूव हो जाएगी और जो हैवी बॉक्स है वो अंदर चला जाएगा। तो इसमें से क्या आएगा, ये काम कौन सा इजी हो रहा है, बी वाला। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, बी, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ से देखिए टूल्स मेक अवर वर्क ईजियर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड टू गेट द वर्क डन। दीज टूल्स आर नॉन एज मशीन, मतलब ऐसी चीज़ें, ये ऐसी मशीन जो हमारे वर्क को आसान कर देती है और हमें कम अपना जो फोर्स है कम लगाना पड़ता है ना, हमें अपना फोर्स जो है कम लगाना पड़ता है, तो जिससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी बच जाता है हमारा। तो ये जो टूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मशीन्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग मशीन्स क्या होते हैं। टूल्स मेक अवर वर्क ईजियर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू गेट द वर्क डन। यानी ऐसी मशीनें जिनका यूज़ करके हमारा वर्क जो होता है बहुत ईजी हो जाता है और हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ता है ना। तो ऐसे टूल्स को हम क्या कहेंगे, मशीन्स कहेंगे। अब ये हाउ टू मशीन्स हेल्प अस, ये मशीन जो होती हैं हमारी मदद कैसे करती हैं। फर्स्ट देखो, मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क ईजिली एंड विथ लेस एफर्ट, मतलब मशीनों से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और इसको हमें लेस एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेकेंड देखिए, मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क इन लेस टाइम। मशीनों से यदि हम काम करेंगे तो कोई भी काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और वो कम समय में हो जाएगा, ठीक है। मशीन्स मेक अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, मशीनों ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है और कम्फर्टेबल यानी आरामदायक बना दिया है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। अ सिंपल मशीन इज़ वन विच चेंजेस द डायरेक्शन और अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू डू वर्क। सिंपल मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन जो होती है जो कि किसी भी जिस पर है ना किसी भी प्रकार का अमाउंट है ना, अमाउंट जो है हमें मतलब कम अमाउंट में हमें कम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ता है और हमारा आसान हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। समटाइम टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्क टुगेदर टू मेक वर्क ईजियर। कभी कभी हमें क्या दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन का यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो समझ गए आप सिंपल मशीन क्या होती है। सिंपल मशीन एक मशीन होती है जिससे हमारा काम जो है कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। और जो दो या दो से अधिक सिंपल मशीन मिलकर है ना जो मशीन बनाती हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब सिंपल मशीन हैज़ वेरी फ्यू पार्ट्स। एक जो सिंपल मशीन होती है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जनरली देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। 6 सिंपल मशीन कितने टाइप्स की होती है, 6 टाइप्स की होती है। देखिए लीवर होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, वेज होता है, स्क्रू होता है, व्हील एंड एक्सल होते हैं और पुली होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लीवर। पिक्चर को देख लीजिए आप लोग, पिक्चर दिख रहा है सबको। दिस इज़ अ लीवर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लीवर। ये इसे हम लीवर कहेंगे, है ना। लीवर क्या होता है, अ लीवर। अब देख लो थोड़ा ध्यान से, अ लीवर कंसिस्ट ऑफ ए रॉड फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए ये लीवर जो होता है इसमें क्या, एक जो रॉड होती है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। द बोल्डर इज द लोड। बोल्डर क्या है, इसमें से लोड है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसे, बोल्डर क्या है, लोड है। यानी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, ठीक है। अब द पॉइंट एट विच द रोड टच द स्मॉल स्टोन इज फिक्स एंड डज नॉट मूव। इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर रॉड पहुँचाई जाती है, टच की जाती है, छोटा सा स्टोन जो है उसके नीचे
फिक्स्ड कर दिया जाता है तो उसे हम कहेंगे फैल्कम। इसको हम क्या कहेंगे? फैल्कम। फैल्कम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। ठीक है, ध्यान रखना। आप देखो थर्ड वाला, देखो द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द लीवर इज कॉल्ड द एफोर्ट, और इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसको हम कहेंगे एफोर्ट यानी ई। समझ रहे हैं? एल मीन्स लोड, एफ मीन्स फैल्कम और ई मीन्स एफोर्ट। क्लियर? द लीवर यूज इन दिस वे इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय अस। लीवर जो होता है एक जिसका हम यूज़ करके फोर्स को अप्लाई करते हैं, और ठीक है जिसका यूज़ करते हैं हम, और इसमें क्या होता है फोर्स जो है इंक्रीज होता है, फोर्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द फैल्क्रम लोड एंड फोर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर। ये जो लीवर जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखिए क्लास वन लीवर होता है, क्लास वन लीवर, इसमें एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ये क्लास फर्स्ट लीवर का एग्जाम्पल है, इसमें फैल्क्रम जो होता है दोनों के बीच में होता है। देखो फैल्क्रम है ना, लोड और एफोर्ट दोनों के बीच में लगता है। या अच्छा इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आप लोगों ने सीजर देखी होगी, हमारे घर में जो सीजर यूज़ करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? लीवर ऑफ क्लास वन का। ठीक है, देखा होगा सीजर होती है, सीजर में बीच में ये पॉइंट होता है चश्मे। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है।